अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज हाथ में लगी हुई ग्लूकोज की बोतल, लेकिन वहीं दूसरे हाथ से रगड़ी जा रही थी खैनी। सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच्चाई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल की। यहां रविवार को अस्पताल प्रशासन ने रेड मारी। रेड में अस्पताल में लोग तंबाकू सिगरेट खाते हुए पाए गए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर थी उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अस्पताल के बेड पर लेटा एक मरीज जिसको एक हाथ में ग्लूकोज की बोतल चल रही थी, वह अपने दूसरे हाथ से मजे से खैनी रगड़ रहा था। अब यह तस्वीर सवाल उठाती है कि आखिर क्या जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी महकमे की है। किसी बीमारी के चलते अस्पताल के बिस्तर तक आ गए, लेकिन उसके बावजूद शौक जान पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल में चालान भी काटे गए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पहला चालान 200 का है, वहीं दोबारा गलती करने पर चालान की रकम भी दोगुनी हो जाएगी। इस चालान की जद में सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि अस्पताल कर्मचारी भी आए थे, और अब ऐसे लोगों पर अस्पताल प्रशासन कार्यवाही की बात भी कर रहा है। जागरूकता फैलाई जा रही है, सिर्फ न करें, ये स्वास्थ्य हानि कारक है, और दंड स्वरूप एक मिनिमम अमाउंट की पर्ची काट देते हैं, चाहे 10 रुपये से लेकर 200 तक जैसी दो काउंसलिंग की तरह समझा देते हैं, दोबारा पाया तो डबल फीस होगी। आज आज कितनी कार्रवाई की जी, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? 4 लोगों की पर्ची कटी आज, बाकी लोग समझाया काउंसलिंग करें उनकी। चार लोग जो मिले थे किस में मिले थे, क्या कर रहे थे? तोपड़ी में तम्बाकू गुटखा खा रहे थे, 2 लोग सिगरेट पी रहे थे। आगे भी ऐसी तरह से अभियान जारी रहेगा, ऐसे चलता रहता है किस्मत के बयान।